Effects of media on society. This section mainly deals with the effects of media on the masses, irrespective of who shapes the content. There are various models about this casual pattern of media, which are as follows like, uh, there is an important uh, debate nowadays, specifically, that how media is affecting the society.

लोग उसी तरीके से उसके अंडर इन्फ्लुएंस जो है वो आ जाते हैं यहाँ ये बात इम्पॉर्टेंट है दैट मीडिया विल गेट हिज एटीट्यूड एंड बिहेवियर शेप एंड डिज़ाइंड एज विश्ड एंड इनकल्केटेड बाय द मैस मीडिया कि लोग जो हैं वो उसी तरीके से सोचना शुरू कर देते हैं उसी तरीके से बिहेव करना शुरू कर देते हैं जैसे मीडिया के अंदर जो है चीज़ें दिखाई जाती हैं या मीडिया के अंदर प्रमोट की जाती हैं देन देयर इज अ नदर पर एंड एन अदर मॉडल दैट इज़ द टू स्टेप फ्लो मॉडल इज़ अ मॉडल विच डिफाइंस दिस रिलेशनशिप एज टू स्टेप प्रोसेस सच दैट मीडिया डू नाट डायरेक्टली अफेक्ट द मैसेज रादर इट अफेक्ट द ओपिनियन लीडर्स फर्स्ट विच देन मोल्ड द पब्लिक ओपिनियन हमने पहले मॉडल में देखा कि जहाँ लोग मीडिया डायरेक्टली लोगों की ओपिनियन को अंडर इन्फ्लुएंस लाता है बट टू स्टेप फ्लो मॉडल इसके अंदर मीडिया क्या रोल प्ले करता है कि वो कुछ इम्पोर्टेंट ओपिनियन लीडर्स को अपने साथ मिलाता है और फिर थ्रू दोज ओपिनियन लीडर्स पब्लिक ओपिनियन को अंडर इन्फ्लुएंस लाया जाता है उन लोगों को जिनसे लोग जिनकी बात सुनना चाहते हैं या लोगों पर जिनकी बात अच्छे असरात मुरतब करती है हम देखते हैं ख़ास तौर पर हमारे यहाँ भी इवन रमज़ान ट्रांसमिशन के अंदर भी बाज़ात एक्टर्स के थ्रू रमज़ान के बारे में भी मालूम पहुँचाई जाती हैं या रमज़ान के प्रोग्राम भी उन लोगों से करवाए जाते हैं जो पॉपुलर होते हैं तो ये भी मीडिया का एक टैक्टिक है कि वो डायरेक्टली अंडर इन्फ्लुएंस लाने की बजाय उन सिलेक्टेड लोगों के थ्रू जो है वो लोगों को अंडर इन्फ्लुएंस लाता है देन यूजेज एंड ग्लोरिफिकेशन मॉडल अब इसके अंदर बड़ा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है दैट वेन वी हैव टू एनालाइज द इफेक्ट्स ऑफ मैस मीडिया ऑन मैसेज एंड इन स्टेड ऑन द क्वेश्चन दैट हाउ पीपल मैसेज लोग कौन सा मीडिया देखना चाहते हैं किससे बात सुनना चाहते हैं अब मीडिया जो है वो ग्लोरीफ़ाई करता है कुछ एलिमेंट्स को वो एलिमेंट्स सोसाइटी के किसी भी पार्ट से हो सकते हैं वो आपके प्लेयर्स हो सकते हैं वो आपके कुछ एक्टर्स हो सकते हैं वो कुछ लीडर्स हो सकते हैं वो कोई भी सिलेक्टेड सेगमेंट्स ऑफ सोसाइटी हो सकते हैं जिनके थ्रू लोगों को कन्विंस किया जाता है इसकी हम आम मिसाल हर वक्त देखते हैं हर मुआरे के अंदर कि कोई ख़ास स्पेसिफ़िक एडवर्टिजमेंट आती है किसी प्रोडक्ट की अगर उसमें कोई हमारा फेवरेट इंडिविजुअल कोई रोल प्ले कर रहा होता है प्रमोशन कर रहा होता है किसी ख़ास प्रोडक्ट की तो लोग इमिजिएटली उस प्रोडक्ट को बाय करते हैं और यूज़ करना शुरू करते हैं यानी जो मीडिया के इफ़ेक्ट्स हैं सोसाइटी पर वो डे बाय डे इंक्रीज़ हो रहे हैं एंड मीडिया इज़ ट्राइंग टू इन्वेंट मोर एंड मोर स्ट्रेटीज़ वो ज़्यादा से ज़्यादा नए से नए मॉडल को ऑपरेट करते हैं और ऐसे ही उसको यूज करके वो अपनी चीज़ों को अपनी प्रोडक्ट्स को मार्केट में सेल करते हैं देन इंटरप्रेटिव मॉडल दिस मॉडल एक्चुअली सप्लीमेंट्स द प्लोरिस्ट मॉडल ऑफ मैथ मीडिया एंड दैट द इफ़ेक्ट ऑफ मैथ मीडिया आर नॉट ऑटोमेटिक एंड अनविलिंग रादर दिस इफेक्ट ऑल्सो हैपन इन सर्टन वेज एंड सर्टन डायरेक्शंस यानी जिस तरफ मीडिया ले जाना चाहता है ये सब कुछ उसी तरफ ले जाया जाता है विद प्लानिंग और लोग भी उनको फॉलो करते हैं फिर एक कल्चरल इफ़ेक्ट मॉडल है जिसके अंदर डेफिनेटली ये बात ज़्यादा इम्पॉर्टेंटली कंसिडर होती है इसका एनालिसिस होता है कि ये शॉर्ट टर्म मेनपोलेशन नहीं होती है बल्कि इसके अंदर समटाइम्स लॉन्ग टर्म प्लानिंग की जाती है मसलन बहुत इम्पॉर्टेंट एग्ज़ाम्पल है इसके हवाले से कि एक बहुत बड़ी टोबैको कंपनी के जो सिगरेट्स थे जब उस पर सिर्फ़ एक आदमी की तस्वीर होती थी तो वो सिगरेट उतने नहीं बिकते थे जब उस पर एक खातून की तस्वीर भी शामिल कर दी गई तो उस टोबैको कंपनी का जो बिज़नेस था वो बहुत ज़्यादा पीक पे चला गया लेकिन उसके जो लॉन्ग टर्म इम्पेक्ट हुआ कि बाकी जितनी मार्केट्स थी उन्होंने अपनी प्रोडक्ट्स में फीमेल को इंक्लूड करना शुरू कर दिया चाहे वो प्रोडक्ट खुतिन से रिलेटेड थी या नहीं थी तो जो कल्चरल इफ़ेक्ट्स हैं दे आर एवर लास्टिंग एंड मीडिया डज दिस एफर्ट विद द प्लानिंग एंड स्पेसिफिकली विद द लॉन्ग टर्म प्लानिंग